हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम4एम मैथमेटिक्स पर। आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए √3, √5 या √2 अपरिमेय संख्या है। तो इन तीनों में से किसी एक को हमें, मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, कोई एक क्वेश्चन बन के आएगा कि √3 को सिद्ध करो या √5 को सिद्ध करो या √2 को सिद्ध करो। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे कैसे करेंगे बोर्ड परीक्षा में, हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले सपोज कर लो, मैं इस वाले क्वेश्चन को करा देता हूँ आपको, √3 वाले को। तो करने तीनों का स्टेप बिल्कुल सेम ही रहने हैं। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि √3 माना लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय, यहाँ पे क्या है अपरिमेय। तो हम इसे विरोधाभास से करेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम इसे मान के चलेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद लिखेंगे कि अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 बराबर किसके है, P/Q के रूप में है, जहां पे Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे लिख देंगे कि P Q के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q के एक के अलावा कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये लाइन लिख देंगे इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मानेंगे इसका जो ये है इसका वर्ग, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक है। यहां वाली लाइन में आपको क्या लिखना है कि जो यहां पे लिखोगे पी क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, एक है, ठीक है। एक के अतिरिक्त इसका कोई भी गुणनखंड है नहीं। उसके बाद दोनों ओर का वर्ग कर दोगे। जब आप दोनों ओर का वर्ग करोगे तो क्या लिखा जाएगा, 3 P² / Q². अब इस क्यू को यहाँ पे भेजा आपने, तो आपने लिखा यहाँ पे 3 Q² / P², ठीक है। तो इसके बाद लिखोगे, देखो ये 3 अगर इसके अपॉन में होता है यहाँ पे, तो यानी 3P को क्या कर रहा था, डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे P² 3 से विभाज्य है, ठीक है। अगर कोई संख्या जो P² है, स्क्वायर की फॉर्म में, P² 3 से विभाज्य है, तो वो संख्या खुद भी, अगर उसका स्क्वायर विभाज्य है तो वो खुद भी विभाज्य होती है। तो यहां लिखेंगे पी 3 से भी विभाजित हो, ठीक है, यानी विभाज्य है। P² 3 से विभाज्य है, यहां पे से पता चला। और P² अगर कोई किसी का स्क्वायर 3 किसी भी संख्या से विभाज्य है, तो उसका जो रूट निकलेगा या जो भी संख्या बनेगी, जो भी इसकी संख्या बनेगी खाली, को उसका स्क्वायर तो है ही, जो भी वो संख्या है वो भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। अब मान लेंगे, सपोज कर लो कि पी बराबर फिर क्या है, 3R है, ठीक है। फिर हम मान लेंगे कि जो पी है वो बराबर है 3R, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ये √5 वाला होता तो यहाँ पे हम क्या मानते, पी बराबर 5R, दो वाला होता तो पी बराबर 2R, ठीक है। तो पी बराबर 3R मान लेंगे इसमें, पी बराबर 3R। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका भी दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा P² = 9R², ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें P² क्या मिल रहा था, 3Q², यहाँ पे क्या है, P² = 9R². अब इस P² की वैल्यू नीचे रख देंगे उठा के। तो जब आप ये वाली वैल्यू 3Q² बराबर यहाँ से P² की वैल्यू इसमें रख दी, 9R², 3 से इसको काट दिया तो बचा गया Q² = 3R², ठीक है। अब अगर ये 3 इसके बटे में होता तो इसे काटता, फिर R² बच रहा था। तो यहाँ पे लिख देंगे अब ये जो Q² है वो 3 से विभाज्य है, ठीक है। ऐसे ही Q 3 से विभाज्य है, ये विभाज्य हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, देखो यहाँ पे P 3 से विभाज्य था, यहाँ पे Q 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि P और Q दोनों 3 से विभाज्य है, परंतु हम क्या मान के चले थे, यहाँ पे कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हमें विरोधाभास प्राप्त हो गया अभी, ठीक है।
तो यहां पे लिख देंगे कि यह विरोधाभास हमें हमारी कल्पना के कारण प्राप्त होता है या हुआ, ठीक है। इसलिए हमारी कल्पना क्या थी कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है, परंतु ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दोगे, बस ये कल्पना लिखे कि हमारी कल्पना रूट ठीक है, रूट तीन एक परिमेय संख्या है। उसके बाद लिख दोगे अतः रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर सपोज कर लो कि रूट तीन या रूट पांच या रूट दो इनमें से किसी का भी आ गया, तो सब में बिल्कुल सेम टू सेम चीज करनी है, बस संख्या बदल देनी, ठीक है।